फरमा बाबकार उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي المتقي المبين المعين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خدا بهر جناب مصطفى امدادكم يا رسول الله از بهر خدا امدادكم या शहीद करबला या दाफिया करबो बला गुलरुखा शहजादे गुलगुम कबा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतुब आलम मीज़नम बलग़ अल-उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ फ़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद इमादिन जुदी वल कलम व आलिही व सहाबीही व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पहले आपने बड़ा ही उम्दा नासिहाना खिताब जो अकायदे की सलाह और आमाल की सलाह पर मुकम्मल बयान हुआ, हजरत अल्लामा मौलाना कारी शम्सुल कमर साहिब क़िबला दामाज़ल्लाहु अलैह का और उनसे बेशतर भी आपने बहुत सारे उलमा इकराम की ज़ियारत की, मुलाकातें की। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर ख़िदमत हूँ और ये अल्लाह वालों की नूरानी जमात बैठी हुई है। मेरे जो दाएं बाएं बैठे हैं यकीनन ये जन्नती लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन उलमा इकराम की दुआओं से हम सब को फैज़याब फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उलमाए अहले सुन्नत को कि उन्होंने आज हाफिज़ क़ारी इस्नाद आलम साहब इनको नाइब काजी शहर की जिम्मेदारी सौंपी है। मौला करीम इनको इनकी जिम्मेदारियों में इस्तेहकाम अता फरमाए और परवरदिगार आलम इनसे अपने दीन का काम ले ले। मैं साथ ही मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम ही जवानों को जिन्होंने आज इस महफिल पाक का इनेकाद किया और इतने सारे अल्लाह वालों को इस महफिल में बुलाया और ये जुमला आशिकाने गौसो रज़ा इस महफिल में बैठे हुए हैं। यकीनन मेरा ईमान है हजरत जी के उठ के वही जाएगा जिसके दिन बदल रहे होंगे, वरना जिसका मुकद्दर उरूज पे होगा वो उठ के नहीं जाएगा। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको अगर बरेलवी हैं तो फिर ये सीला चावल नहीं चलता है। समझ रहे हैं? बरेलवियों की अपनी अलग पहचान होती है। आज लफ्ज़ बरेलवी पे गुफ्तगू नहीं करनी है इंशाल्लाह, बस चाहूंगा थोड़ी देर कुछ दिल का दर्द आपके बीच में रखूं और अपने करीम रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले। खैरियत है आप लोग? पीछे वाले लोग भी खैरियत से हैं?
अल्लाह सलामत रखे। जलसे में यकीन जानिए, ये उलमा इकराम की कोशिश है, ये कमेटी की मेहनत है, ये अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है, ना इनके करने से कुछ होता है, ना मेरे करने से कुछ होगा, होगा वही जो बगदाद वाला पीर कराएगा। मुझे सच्ची बताइए, ईमानदारी के साथ अगर बंदा बेटे का वलीमा करता है तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी दावत करता है। अगर तेरी दावत पे सिर्फ बुलाने वाला आए तो फिर बगदाद वाले की महफिल में किसकी हिम्मत है जो बगैर बुलाए चला आए। और अगर कोई बीच में उठ के चला जाए तो फिर वो जाके गौर करे कि जलसे में जब से बैठा था कौन सी गलती कर बैठा जो बीच महफिल से उठा के भेजा गया, ये भी सोच लेना। हाँ, समझ रहे मेरी बात? उम्मीद है। और नौजवानों, तुमसे एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, अगर मानोगे भी तो क्या कर लोगे। हाँ, हमारी कौम का जवान भी बड़ा अच्छा है। हजरत 1100 रुपए के जूते खरीद लेगा लेकिन 10 रुपए की टोपी नहीं लाएगा। देखो कितने नंगे सर हैं। अल्लाह तौफीक दे तो भाई जूते थोड़े सस्ते खरीद लो लेकिन टोपी जरूर खरीद लो। खरीदेंगे टोपी नहीं? कुछ लोगों ने हाथ उठाए और हाथ भी उन्होंने उठाए अल्लाह के बंदों ने जो टोपी ओढ़े बैठे। हुजूर की महफिल है, अदब से बैठा करो। यहाँ जितना अदब लेके आओगे उतना ही ज्यादा करम लेके जाओगे, ये याद रखिए। कितने तो मदीने जाके खाली हाथ आ जाते। हाँ, वो ये शुरा हजरात पढ़ते हैं ना, लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने। माशाल्लाह, मिंबर वाले ही नात नहीं पढ़ते हजरत, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। जाता भी कैसे जब आका ने, और जोर से, जाता भी कैसे जब आका ने, बुलाया ही नहीं। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से मेरी बात सुन ले जवानों, हमारे घरों में बेपर्दगी जानते हो कब से आई? जब से भाइयों ने टोपियां उतार दी, बहनों ने दुपट्टे उतार दिए। ये सच्ची और कड़वी बात है। जब से भाइयों ने टोपियां उतार दी, बहनों ने दुपट्टे उतार दिए, तुम टोपी के पाबंद हो जाओ, बहनें दुपट्टे की पाबंद हो जाएंगी। हाँ, कोशिश करें नंगे सर न रहा करें। आज साइंस बहुत दिनों के बाद खिचड़ खिचड़ के 1400 साल के बाद यहां पहुंची है कि नंगे सर रहने से नुकसान कितने हैं। तो किसी के सर पे कपड़ा ही लपेट दिया गया, कोई पन्नी बांधे घूम रहा है, कोई थैली ओढ़े घूम रहा है। हमारा इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, उसने 1400 साल पहले टोपी दे के बता दिया था, ये निशानी भी बनी रहेगी और तेरी हिफाजत की जमानत भी बनी रहेगी। अब अगर कोई बंदा टोपी ओढ़ता ही नहीं तो उसमें इस्लाम का क्या कसूर है? हम ऐसे कदम ना उठाएं जिसकी वजह से कोई इस्लाम को कुछ कह सके। करेंगे कोशिश जवानों? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मौलवी का काम बताना है, अमल कराना नहीं है। किसकी महफिल में बैठे हो? बोलें जरा, बोलें। वो से पाक की महफिल में बैठे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे इंसान बनाया। वो चाहता तो पत्थर बना देता, वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो चौपाया बना देता, लेकिन उसका एहसान कि उसने इंसान बनाया और ऐलान कर दिया, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। इंसान बनाया और करम वालाए करम ये कि मुसलमान बनाया, और फिर उसके ऊपर और करम ये है कि हमें मुसलमान भी बरेली वाला मुसलमान बनाया, बरेली वाला मुसलमान बनाया है। हम शुक्र अदा क्यों ना करें? अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नियों का मुकद्दर है। हमारे दामन में न सहाबा की गुस्ताखी का दाग है, न औलिया की गुस्ताखी का दाग है। खुदा की कसम, हम तो रब को भी वैसा मानते हैं जैसे मानना चाहिए। ये कौम को गुमराह करने वाली बातें खत्म करो कि जी झगड़ा 30-40 में का नहीं, झगड़ा 30-40 में का नहीं है, झगड़ा किसी और ही बात का है। और वो बात बता दूं तो आप भी मुंह पे हाथ रखेंगे कि इस कौम को तो कम से कम इंसान होने का हक अदा कर लेना चाहिए था।
न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। आज सीधे साधे जवानों को बंदा घेर के बैठ जाता। जी सहाबा के जमाने में 40वां नहीं होता था, तीजा नहीं होता था, 40वां नहीं होता था। आ तुझे बताऊं, झगड़ा तीजे और 40वें का नहीं है, इन्हीं की किताबें इन्हीं से मंगाई है। और कहिए उठा के लाओ अपनी तकवियतुल ईमान, उठा के लाओ अपनी तहजीरुन नास, उठा के लाओ अपनी अशरफुस सवाने, उठा के लाओ जो तुमने फिका में किताब लिखी है, और इन्हीं की किताबें खोल के देखिए। यार दर्द होता है तुमने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है और उसके बाद भी नबी की जात पर उंगलियां उठाते हो, तुम्हें गैरत तक नहीं आती है। अगर इसी बात के ऊपर बरेली के इमाम ने कह दिया था तो क्या गलत कहा था? मेरे इमाम ने तभी तो कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। बिला वजह में नहीं कहा था। जब इन्होंने ये कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तब रजा को जला लाया। जब इन्होंने ये कहा कि जैसा इल्म नबी को है वैसा इल्म तो जानवरों को भी है, तब रजा को जला लाया। जब इन्होंने ये कहा कि नबी बड़े भाई की तरह है, तब रजा को जला लाया। अगर इतने गुस्से के बाद रजा ने कह दिया तो क्या गलत कह दिया? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वक्त भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।